बीते दिनों अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर घर वापस जा रहे सुनारी निवासी अजय शाह उर्फ टिंकू की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुनारी थाना अंतर्गत कोटा के निवासी अजय शाह उर्फ टिंकू कन्हैया शाह के अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस घटना के आलोक में सुनारी थाना में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई और उसके बाद DSP हेडक्वार्टर टू के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था जिसका क्लोज मॉनिटरिंग सिटी SP कर रहे थे और उस टीम में सुनारी थाना के थाना प्रभारी और उनके थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी भी काम कर रहे थे। टीम के द्वारा काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए जो घटना में संलिप्त 2 लोग जो स्पॉट पे थे, 2 लोग इनडायरेक्टली रूप से उसमें इन्वॉल्व थे जो रेकी कर रहे थे, उन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। घटना में कुल और 4 लोग जो शामिल थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, उनको भी हम लोग बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके पास से हम लोगों को 2 हथियार और कई कारतूस मिले हैं। साथ ही जिस बाइक से घटना स्थल पर जाया गया था उस बाइक को भी जब्त किया गया है। जो इसके मुख्य आरोपी हैं जिनके द्वारा पूरी षड्यंत्र रची गई थी उनकी अपनी एक गाड़ी है 4-व्हीलर, उसको भी जब्त किया गया है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास 4 लोगों की गिरफ्तारी है जो इस घटना में शामिल थे, उनके पास से 2 हथियार और कारतूस बरामद किया गया है। कुल 4 लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं जो इस घटना में शामिल है, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना के पीछे जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो 2 है। एक, ये लोग किसी न किसी रूप से आपसी रंजिश था इनका। जो मृतक हैं उनका कारोबार था, वो जो कारोबार करते थे उसमें जो क्रिमिनल्स हैं वो कुछ किसी न किसी रूप से अपना अवैध कमाई का हिस्सा भी मांग रहे थे, ये एक कारण था। और दूसरा कारण ये है कि आज से लगभग 5 महीना पहले किसी कॉमन फ्रेंड के यहाँ किसी कारण से दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर के भी जो अपराधी है मन में अपना खुन्नस और रंजिश पाले हुए था, वो भी एक कारण था इस हत्या का। और एक और जो चीज़ें सामने आई है हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो ये है कि मृतक भी कहीं ना कहीं इनको जानकारी था कि इनकी हत्या होने वाली है और ये लोग पुलिस को सूचना नहीं दिए और दोनों आपस में ही सलक लेने की बात एक दूसरे को कह रहे थे। तो इसी आपसी रंजिश में इनकी हत्या हुई है। जैसा मैंने बताया अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो हथियार का इस्तेमाल हुआ है बरामद हुआ है, जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ वो बरामद हुआ है। 4 लोग अन फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। थैंक यू। कारोबार क्या था सर? तो 4 लोग इसमें हैं, उसमें घटनास्थल पर 2 लोग हैं, 2 लोग रेकी कर रहे थे। इसमें घटनास्थल जयपुर सिंह है और जीतू अंकुर और जीतू घटनास्थल अंकुर सिंह इसमें 4 का नाम प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया। अच्छा, अंकुर सिंह और 4 की गिरफ्तारी शहर में ही अलग अलग जगहों से की गई।